देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने रिटायर होने का ऐलान किया। अपने जीवन से जुड़ी एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैंने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला किया है। अपने राजनीतिक जीवन से जुड़ी एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में बोलते हुए पवार ने कहा, मेरे लिए ये बात चौंकाने वाली थी कि अजीत ने अचानक बीजेपी के साथ जाकर डिप्टी सीएम पद की शपथ क्यों ली। जब मैंने सोचना शुरू किया कि अजीत ने ऐसा फैसला क्यों लिया, तब मुझे एहसास हुआ कि सरकार गठन में कांग्रेस के साथ चर्चा इतनी सुखद नहीं थी। उनके व्यवहार के कारण हमें रोज सरकार गठन पर चर्चा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि उनके इस फैसले से कार्यकर्ता बेहद आहत नजर आए और बेहद भावनिक होकर शरद पवार को अपना निर्णय पीछे लेने की मांग की और उन्हें मनाने की कोशिश की। ब्यूरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।